मैट्रिक छात्रावास से अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर कपड़ों के साथ अन्य माल पर अपना हाथ साफ कर दिया, जिसकी रिपोर्ट छात्रावास संचालिका द्वारा पुलिस थाने में दर्ज करवा दी गई है। क्या नाम आपका? निर्मला दुरा। कौन सा छात्रावास है आपका? छात्रावास। किस जगह पर आ गया ये? बस स्टैंड। बस स्टैंड। रात्रि में आपके यहाँ चोरी का ऐसा मामला सुनने में आया है, तो क्या है पूरा चोरी का मामला, कैसे क्या हुई चोरी? चोरी यात्री 2 बजे के लगभग हुई। उसमें क्या क्या सामग्री गई, कितना नुकसान हुआ आपका? चोर की 3 बल्ब ले गए और कपड़े उठा के ले गए। चोरी तो हुई, पर इस बीच कभी बच्चे कभी लड़कियां मेरी बाहर रहती जाती सोच के लिए, तो हादसा हो सकता उनके साथ। इसकी कहीं आपने किसी अधिकारी को सूचना वगैरह दी या कहीं प्रशासन को अवगत कराया आपकी समस्या से? करवाया, थाने पे भी एफआईआर दर्ज करवाई, भी आए पुलिस वाले भी आए थे, सीआई साहब से सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। लगभग कितने चोर होंगे? 4। आपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे आपके यहाँ पर? लगा रखे ना। कितने कैमरे लगा रखे आपने? 4 कैमरे हमारे। तो उसमें किसी का चेहरा ऐसा दिख रहा है किसी चोरों का? चोरों का कैमरा तो बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा उनका चेहरा, उसमें तो आ रहे फुटेज। लगभग कितने चोर होंगे? 4 दिख रहे उसमें। लगभग कितने समय की बात है ये? 2 बजे 2:13 आज रात्रि 2 बजे की बात है ना? कल रात्रि। सुहर, आपको सीसीटीवी में क्या ले जाते हो दिख रहे हैं इसमें? कपड़े, बल्ब उतार रहे हैं, परिसर के हॉस्टल के परिसर से भी बल्ब उतार रहे हैं, मेरे क्वार्टर से भी बल्ब निकाले उन्होंने। मतलब कहाँ से आया? आ गया तो आपके यहाँ लॉक लगा रहता है? हाँ, लॉक पीछे से आया। पीछे की साइड से तो बताएंगे थोड़ा सा आप? पीछे ले जाना पड़ेगा। चोर कहाँ से आए, उनको रास्ता कैसे मिला आने का आपने यहाँ पर? अब ये है रास्ता, यहाँ से कुछ आए, ये पूरी बाउंड्री खुली है, बाउंड्री भी काफी कम हाइट है इसकी, और इधर पीछे भी कैमरा लगा रखा है। ये आपके पास में कौन सा स्थान है? ये पास में आराम मशीन है, पीछे जंगल है। अच्छा, पीछे को सीसीटीवी कैमरा लगा रखा क्या आपने? हाँ लगा रखा था, सामने लगा रखा सीसीटीवी। लगभग कितनी बालिकाएं आपके यहाँ पढ़ती है छात्रावास में? 50। हाँ। तो इनकी सुरक्षा के लिए और कुछ चौकीदार है ना यात्री? चौकीदार है लेडीज से या जेंट्स? लेडीज है। तो अभी प्रशासन से आप और कुछ सुविधा क्या मांगे किसी इतना बड़ा हादसा होने के बाद आपके यहाँ पर? बाउंड्री वाल भी ऊंची हो जाए और बच्चों की सुरक्षा के लिए शासन की तरफ से गार्ड नियुक्त हो जाए। अच्छा, रात्रि में यहाँ पर अधिकतर देखा जाए तो पुलिस की तरफ से चौकीदारी वगैरह गश्त वगैरह लगाई जाती है, ऐसी कुछ सुविधा है आपको मिल पाती है नहीं मिल पाती है? आती है, गश्त को आती है। फिलहाल ही में भी आपके यहाँ चोरी हुई है, इसको लेकर आपने प्रशासन से पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाई है? मैंने गुहार लिखित में आवेदन भी दिया, गुहार ये लगाई थे गश्त बढ़ाई जाए हमारे। गश्त आती है पर कौन से टाइम आती है पता ही नहीं रहता है। इससे पहले कोई गश्त आती थी पुलिस यहाँ पर देती थी रात्रि में? नहीं आती थी। ये होने के बाद आते हैं, हादसा होने के बाद आई। तो आपकी दीवार वगैरह टूटी है, अभी तक आपने इसको कंप्लीट क्यों नहीं कराई है? ये तो लिखित में दे रखा है। किसको? हमारे आयुक्त साहब को, जिले में दे रखा है। कितना टाइम हो गया समथिंग? फिर भी ये तो ये पास में लकड़ियाँ जमा रखे थे, इस वजह से टूटी हुई है। ये तो करवा दी थी मैंने। लकड़ी वाले को बोला कि हमारे हादसा हो गया ऐसा, आप लकड़ी हटाओ? बोल दिया, हटवा दी ना लकड़ी। इससे पहले भी दीदी कहीं ऐसा कुछ हादसा? हाँ, हुआ आपके यहाँ? हुई ना, चोरियाँ हुई, पर पहले सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। मैंने समय समय पे थाने पे सूचना दी थी, तो अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो अभी 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 हाल फिलहाल में आपके कितनी बार कौन सी चोरी हो चुकी? तीसरी चोरी है या पांचवी चोरी है? ये चौथी चोरी हो गई। चौथी चोरी हो गई। तो पुलिस प्रशासन ने अभी तक इसका कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं लिया? अभी तक तो कुछ भी नहीं लिया। चोरियां तो लगातार होती रह रही, चोरी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस बीच कभी मेरे बच्चों के लिए चोरी हुई, तो अभी मेरी लड़कियां सोच के लिए बाहर जाती है, कभी इनके साथ कोई हादसा हो जाए। मेरे को सबसे सुरक्षा मेरे बच्चों की, लड़कियों की सुरक्षा की। और पास में कला ली है, गेट भी छोटा है, सब नशेड़िया पी के न्याय बैठे रहते हैं।
ये कलाली कितने समथिंग दूरी पर है आपके हॉस्टल से? बिल्कुल पास से, 500 मीटर के आसपास की दूरी पे। दारू का ठेका है? हाँ, दारू का ठेका है। तो वहीं पे दारू के जो ठेके जो पीने वाले शराबी रहते हैं वो सब ले लेके यहाँ आ जाते हैं सामने, आपके हॉस्टल के सामने आते हैं? सामने ही आ जाते हैं। इसकी आपने पहले किसी को शिकायत करी? करी ना शिकायत, थाने पे दी मैंने। थाने वालों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? कोई भी एक्शन नहीं लिया। लगभग कितनी बच्चियाँ पढ़ती है आपके यहाँ पर? 50। आप सब यहीं पढ़ते हो? हाँ। आपको कोई असुविधा तो नहीं होती? सब चीज की सुविधा मिलती है आप लोगों को? हाँ। अच्छा, आपने कभी कोई ऐसा देखा होगा दृश्य कि जो दारू पी के यहाँ पे सामने आता है, परेशान करता है, ऐसा कोई लगता है तो बताओ आपको को क्या क्या परेशानी होती है? सर, हमारे सामने पेशाब करते हैं यहाँ पर। हाँ। और शराब पीते बैठे रहते हैं। अच्छा, आपके हॉस्टल से दारू का ठेका कितनी दूर है बेटा? पास में। आपको परेशानी होती है पढ़ाई करने वगैरह हम सभी में, इसमें वगैरह आती होगी आप लोगों को? आती है। आपने मैडम से बोला इसके बारे में? बोला। सर, विगत रात को 12 बजे कन्या छात्रावास में चोरी का जो मामला सामने आया था वो क्या है सर? पूरा मामला आए दिन चोरियां होती रहती है ऐसा मैडम का बेटम ने बताया है। उस क्षेत्र में पहली बार अभी चोरी हुई, वहाँ पे कोई अज्ञात चोर घुस के वहाँ पे कपड़े सुखाए हुए थे परिसर में वो, और 2 बल्ब निकाल के लेते थे। ऐसे में सर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा कुछ वहाँ लगा नहीं, उनका ये भी है कि वहाँ गश्त वगैरह भी नहीं होती है? नहीं, वहाँ पेट्रोलिंग लगातार होती है, उधर सुनसान क्षेत्र भी है वहाँ पे और लगातार पेट्रोलिंग होती है वहाँ पे, और उनसे संपर्क पहले से किया जा चुका है और समस्या होती है तब पर 100 पे फोन लगाई। छात्रावास की जो मैडम है उनसे हमने पूछा तो उनने ये भी कहा कि यहाँ पर शराब वगैरह है, ठेका है पास में, तो उसके साथ ही लोग भी आके परेशान करते और दारू वगैरह भी फेंक जाते हैं। हाँ, वो पहले होता था पर अभी कुछ 4-5 महीने से वहाँ काफ़ी प्रतिबंधित है वहाँ। फुटेज में सर सीसीटीवी फुटेज जो कैमरे लगे वहाँ पर छात्रावास में, फुटेज में आए हुए हैं 4 लड़के, उसमें जर्किन पहने हुए हैं, वो तो उसको देख रहे हैं और संदिग्ध व्यक्ति से मिलन होती है।